गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1 एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 4.2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है ट्रू। जब हमारे पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 3x+5, ओके अंडरस्टूड। तो फर्स्ट इसका है हमारा जो ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन एंड थर्ड है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो बच्चों इसका जो आंसर है वाई इज इक्वल टू 3x+5 इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट हैज़ इन्फिनिटी पॉसिबल सॉल्यूशन एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर विल बी वैल्यू ऑफ वाई। जब हम क्या करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ एक्स, जब हम x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो y की हमारी अनदर वैल्यू निकलती है ऐसे ही। तो इससे क्या हमारा प्रूफ होता है कि इसके क्या होंगे बच्चों, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। इट मींस बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज व्हेन वी विल पुट एक्स प्लेस ऑफ x 1 तो देन वी विल गेट y इज इक्वल टू 8। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे जब वहाँ पर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 2 6 और 5 11। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और 3 रखेंगे तो कुछ और होगा, 4 रखेंगे तो कुछ और फाइंड होगा। ओके, तो सो वी कैन से कि इट हैज़ इन्फिनिटी, इट मीन्स मैनी सॉल्यूशंस, हैंस इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। हमें सभी इक्वेशंस के लिए चार चार सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x+y = 7। हम क्या करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, हम या तो x के प्लेस पर या फिर y के प्लेस पर हम वैल्यू रखते हैं और हमारी दूसरी वैल्यू जो है वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 4x = 0 पुट कर रखा है मैंने। क्या कर रखा है बच्चों, इस प्लेस पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास x = हमने 0 लेट करा है। ओके, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो है 2x+y, तो हमने जब x के प्लेस पर 0 रखा तो ये हो गया हमारा 2 × 0 + y = 7। ओके, तो देन y = 7, इट मीन्स जब हमने x 0 रखा तो y कितना आया 7। तो ऐसे ही हमें इनके 4 सॉल्यूशन रखने हैं। जब मैंने x = 1 रखा तो y = 5 आया। ओके, वैन वी विल पुट x = -1 देन वी विल गेट y = 9। therefore -1 और 9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। नाउ वैन वी विल पुट x = 2 तो देन वी विल गेट y = 3। इट मीन्स 2, 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे इनके जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, सभी के हम 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो रखा है इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन की भी हमारे जब हमने x = 0 रखा तो हमारा y = 9 फाइंड आउट हुआ। जब हमने x = 1 रखा तो हमारा y = 9 - π आया। ओके, व्हेन वी विल पुट x = 2 तो देन वी विल गेट y = 9 - 2π। सो 2, 9 - 2π इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नाउ x = -1 देन y = 9 + π एंड x = 4y तो देन y = 0। y = 1 जब हम पुट करते हैं तो हमारा x = 4 आता है। ओके, अंडरस्टूड, सॉरी दिस इज द न्यू पार्ट, x = 4y तो देन x = 0 जब हमने पुट करा तो y = 0 आया। और जब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम y = -1 रखेंगे तो x = -4 आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे इसके सभी पार्ट्स के हम क्या करेंगे बच्चों 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। हमारे पास सॉल्यूशंस गिवन है जैसे कि 0, 2, 2, 0, 4, 0। ओके, तो हम इन्हें, हमें बताना है कि ये x - 2y = 4 के सॉल्यूशंस है या
नहीं है। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जीरो और टू दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर एक्स है इक्वेशन में वहाँ पर जीरो पुट करना है, और जहाँ इक्वेशन में वाई है वहाँ हमें टू पुट करना है। जैसे कि फर्स्ट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू टू, देन एल एच एस इज गिवन इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू माइनस फोर दैट इज नॉट इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर एल एच एस क्या है बच्चों, आर एच एस के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स वी कैन से जीरो कॉमा टू इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, जीरो और टू जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। जब हम क्या करते हैं बच्चों, टू और जीरो रखते हैं, इट मीन्स ऑन द प्लेस ऑफ एक्स वैन वी विल पुट टू एंड ऑन द प्लेस ऑफ वाई वी विल पुट जीरो, तो देन वी विल फाइंड एल एच एस नॉट इज इक्वल टू आर एच एस। इस कंडीशन में भी एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं है, तो सो वी कैन से कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ वैन वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई सॉरी एक्स इज इक्वल टू फोर एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, तो देन वी विल गेट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हमारा यहाँ पर क्या आता है, एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या है, इक्वल है। देन वी कैन से 4, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही वैन वी विल पुट ऑन द प्लेस ऑफ एक्स अंडर रूट टू एंड ऑन द प्लेस ऑफ वाई 4√2, तो देन वी विल गेट एल एच एस नॉट इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, यहाँ पर भी हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं आता है, तो देन वी कैन से कि दिस इज मतलब देयर फोर अंडर रूट टू कॉमा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चों हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इज इक्वल टू टू, जब x इज इक्वल टू टू है और y इज इक्वल टू वन है, और जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, तो इट मीन्स इसमें हमें x के प्लेस पर 2 रखना है और y के प्लेस पर 1 रखना है। जब हम x के प्लेस पर 2 रखते हैं और y के प्लेस पर 1 रखते हैं, तो देन वी विल फाइंड कि k इज इक्वल टू 7। ओके, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट विल बी एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क।